कोरोना महामारी के चलते सेना के जवान जो हर वक्त देश की सुरक्षा और शांति के लिए तैयार रहते हैं, हमारे जवानों तक कोरोना महामारी के चलते बहनों की राखी नहीं पहुंच पा रही थी, जिसके चलते NSUI के तत्वाधान में जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष सोनू साहू के नेतृत्व में उन सभी भाइयों के लिए राखी शुभकामनाएं संदेश पोस्ट ऑफिस में पत्र के माध्यम से भेजे। देश के सैनिक सलामत रहे, हम सबकी दुआ और प्यार उनके साथ है। राखी के इस पवित्र त्यौहार में देश के विभिन्न राज्यों से पुलिस सुरक्षा बल के सैनिक कैंप में रहकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते आ रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी पूरे विश्व के साथ ही हमारे देश में भी तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण हवाई यात्रा को छोड़कर सभी तरह के यातायात व्यवस्था बाधित है। जवान साथी अपने परिवार जनों से कोसों दूर है। विभिन्न प्रांत से सभी जगहों पे हर राज्य में हमारे वीर सैनिक जो रहते हैं अपने जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। जैसे इन बहनों के द्वारा और हम लोग ने NSI परिवार ने यह सोचा कि कोरोना महामारी के चलते सारी यातायात अभी बाधित है, जिसके चलते वो अपने परिवार से भी दूर हैं, कोई आ जा सकता नहीं है, तो उनकी जो हाथ की कलाइयाँ इस बार खाली न रह जाए करके यह पीड़ा NSI ने और हमारी बहनों ने उठाया है। इसके तहत आज BSF गोकुल नगर फुलगांव में वहाँ पे 120 करीब सैनिक भाई हैं, उनके लिए वहाँ पे 120 पैकेट की राखी भेज रहे हैं, और ऐसे STF वगैरह वहाँ पे करीब करीब 200-250 लोग हैं पहुँचते हैं, उनके लिए भी 250-250 की राखी यहाँ से भेजी जाएगी बाई पोस्ट, जिससे उनकी हाथ की कलाइयों की सुंदरता बनी रहे और उन्हें यह एहसास ना हो कि वो अपने परिवार से दूर है। हम सब उनके साथ हैं, हमारा संवेदनशील और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। ये राखी भेज के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण ऐसे भी ट्रांसपोर्ट बंद है, तो बाई पोस्ट हम उनके लिए राखी भेज रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम मैंने किसी सैनिकों के लिए ये राखी भेज रही हूँ। तो TCP24 न्यूज़ के लिए दुर्ग से विमलेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट।